शिव की भक्ति और शिव की आराधना का पर्व शिवरात्रि 8 मार्च को आ रही है, जिसके चलते सभी शिव मंदिरों में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस महाशिवरात्रि पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग। इस महाशिवरात्रि शिव भक्तों को मिल सकता है धन लाभ। धन लाभ के लिए भक्तों को क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से। पंडित गिरजेश चतुर्वेदी ने बताया कि कई सालों के बाद 3 शुभ योग बनने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि में प्रथम योग जो बनने जा रहा है वह है शिव योग। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त शिव की पूजन करता है उस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दूसरा योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग में यदि कोई शिव भक्त, कोई पुजारी या कोई तांत्रिकी किसी प्रकार के मंत्र अथवा तावीज को सिद्ध करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र से पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा योग जो इस महाशिवरात्रि पर बन रहा है वह है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं उसे संपूर्ण रूप से हर प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, उसकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार से यह 3 योग कई सालों बाद इस महाशिवरात्रि पर आ रहे हैं। पंडित गिरजेश चतुर्वेदी बताते हैं कि यदि किसी के विवाह को लेकर समस्या आ रही है तो वह इस शिवरात्रि पर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर हल्दी के साथ केसर मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, जिससे उसके विवाह के योग जरूर बनेंगे। शिव से शक्ति का मिलन अर्थात महाशिवरात्रि का पर्व इस बार दिनांक 8 मार्च 2024 को बड़े आनंद के साथ संपन्न होगा। सभी शिवालयों में, सभी मंदिरों में और संपूर्ण देश में महाशिवरात्रि वैसे तो हर वर्ष आती है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर कई सालों के बाद 3 शुभ योग बनने जा रहे हैं। प्रथम योग महाशिवरात्रि पर जो बन रहा है उसका नाम है शिव योग। शिव योग में शास्त्र कहते हैं जो भक्त शिव की पूजन करता है, बाबा भोलेनाथ की पूजन करता है, भगवान शिव उस पे प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। दूसरा योग बन रहा है सिद्धि योग। सिद्धि योग में अगर कोई भक्त, कोई पुजारी, कोई तांत्रिक किसी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करना चाहे, तावीज को सिद्ध करना चाहे, यंत्र को सिद्ध करना चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र से वह पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकता है। तीसरा योग होता है सर्व अर्थ सिद्ध योग। अर्थात इस योग में जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसे संपूर्ण रूप से हर प्रकार का फल मिलता है, फिर उसकी कोई भी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो। यह 3 योग कई सालों के बाद महाशिवरात्रि पर्व पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी के विवाह को लेकर समस्या आ रही है तो वह भक्त शिवालय में जाकर शिवलिंग पर हल्दी के साथ केसर मिलाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, उसके विवाह के योग जरूर बनेंगे। शिक्षा को लेकर किसी को समस्या आ रही है तो बिल पत्र पर गायत्री मंत्र को लिखें और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें, वह शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेगा। व्यापार को लेकर अगर समस्या आ रही है तो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर जो शंख आता है, कोड़ी आती है और खड़ी हल्दी आती है, यह 3 चीज भोलेनाथ को चढ़ाएं और व्यापार के लिए अर्जी लगाएं। तथा जिन भक्तों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो, नव नाग दोष हो या राहु केतु से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो, ऐसी परिस्थिति में महाशिवरात्रि पर्व पर संकल्प कर उसको व्रत रखना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और एक चांदी का या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में पंडित जी द्वारा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि वह पर्व है जो भक्त उपास रखना चाहते हैं। कहीं भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं लेकिन व्रत रखने की एक विधि होती है, छोटी सी विधि मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर संकल्प सहित महाशिवरात्रि का व्रत रखें, भगवान भोलेनाथ की यथाशक्ति भाव से, प्रेम से
पूजन करें, आपको व्रत का संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो भी मनोकामना भोलेनाथ से आप मांगना चाहते हैं, वह शिवरात्रि के दिन रुद्रा अभिषेक अवश्य करें और भगवान शिव से, माता पार्वती से आशीर्वाद अवश्य लेवें। जय श्री राधे, राधे राधे। लोकल 18 शाजापुर से मोहित भावसार की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।